सारण जिले के गौरा ओपी अंतर्गत विष्णुपुरा गांव में मुंद्रिका राम की चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला घर में पेंशन के विवाद को लेकर बताया गया है। हत्या का आरोप उसके चचेरे भाई उमेश राम पर भी लगा है। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गौरा ओपी अध्यक्ष ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ मृतक मुंद्रिका राम के भाई उमेश राम को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में कराए जाने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। तो बड़े पापा जी से थोड़ा बहुत बातें हुआ था, उसके बाद छुरी निकाले थे और कह रहे थे कि तेरे को मार देंगे, और उसके बाद शांत हो गए। तिलक गए थे लोग, तिलक से आए लोग मेरे पापा जी को छत पर चाकू से 5-6 बार 7 बार मार दिए हैं, और जाकर मारकर भाग गए, भाग कर थाना में सिलेंडर का दिए हैं। मेरे दादी का पेंशन मिल रही थी, सब कुछ बंटवारा हो गया था। मेरे दादी को कह रही थी कि हम किसी को पेंशन नहीं देंगे। बहन है मेरी, 4 बहन है मेरी, उन लोगों का शादी ब्याह करेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं पेंशन मेरे को दो, हम गांजा वजा पियेंगे, सारा बड़ा पियेंगे, ऐसी करेंगे। और उसके बाद मेरे पापा जी को कह रहे थे कि तू सब धन ले लिया है, उसके बाद मेरे पापा जी को मार डाले। क्या नाम है? मेरे पापा जी का नाम मुंद्रिका राम। उनका क्या नाम है? उमेश राम।